हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आर के गौरव भट्ट। फ्रेंड्स, दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 2.5। सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। सो वॉट वी नो, we know that x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ये हम लोग को पहले से ही मालूम है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका ये रूट है कौन, ये माइनस बी प्लस और माइनस बी रूट स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो, अब हम लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे वो पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये क्या आएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तब वो जो रूट्स रहेंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या रहेंगे, रियल और इक्वल। रियल मतलब क्या होता है, जिसमें होल नंबर रैशनल इरेशनल नंबर्स आते हैं वो हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल वाले और नेगेटिव पॉजिटिव, उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रियल एंड इक्वल। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स अपना दो इसमें आ जाएगा, एक बार माइनस बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एंड एक बार माइनस बी माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल कब होएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज क्या होएगा, ग्रेटर देन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तब ये क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। अब अगर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्या है ये, लेस देन 0 है, तब क्या हो जाएगा, ये आर नॉट रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉट रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोगों को क्या क्या समझा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो ये रियल एंड इक्वल है, अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये क्या होएगा, रियल एंड अनइक्वल होएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा होगा 0 से तो वो हो जाएगा नॉट रियल। तो चलो पहला सम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ पे हम लोग का, वही स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac = 5। ये क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो हम लोगों का सेकंड कंडीशन हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। ये 0 से ज़्यादा है ना 5, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, रूट्स आर, यहाँ पे खाली इतना लिखना है हम लोगों को, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब ये माइनस फाइव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये माइनस फाइव है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा था, लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना लिखना है हम लोगों को, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अब सेकंड सम हम लोग सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा थियरी और देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है वहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़, क्या दिया है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, देन द इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अब ये जो है हम लोगों को पहले से ही ये याद करके रखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस सेट में तुमको आगे काम में आएगा ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या वैल्यू होएगा, माइनस बी और ए, ये तो आपको पता ही है, ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वो जो हमारा इक्वेशन रहता है वहीं का ये वैल्यू उठा के लिखना रहेगा यहाँ पे माइनस बी और ए और सी और ए में, वो जो वैल्यू रहेगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो। तो अब द इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, तो क्या अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा वो हम लोगों को समझाना है। तो क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, सम मतलब होता है प्लस। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये थियरी इतना थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट जब हम लोग सम ये सॉल्व करेंगे तब तुमको बहुत ईजी लगेगा। तो अब ध्यान दो, क्या हमारा क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस सेवन। सम ऑफ रूट्स क्या दिया है हम लोगों को, माइनस सेवन दिया है। हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हमारा, फाइव है। तो अब जरा ध्यान दो, तो हमारा ये क्या था, सम ऑफ रूट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, जरा याद है ना तुमको। अब देखो, हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो अब मैं कैसे करूँगा इसको, जरा ध्यान दो यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट, तो ये हम लोगों का कुछ, हम लोगों ने अभी ऐसा पीछे फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा था यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, फिर इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, ज़ीरो लिखा था। अब ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना दिया है तुमको, माइनस सेवन, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है हम लोगों का, फाइव है, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। देयर फॉर, या फिर हम लोग डेट इज़ लिखते हैं, डेट इज़, अब फाइनल आंसर हम लोगों को लिखना है, तो एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट जब ओपन होएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये एक्स हमारा यहाँ पे है, ये सेवन एक्स हो जाएगा प्लस फाइव। तो बस यही इक्वेशन है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये इतना सिंपल सा सम था तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोगों को दूसरा सम, थर्ड सम हम लोगों को अब सॉल्व करना है, तो उसमें क्या करना रहेगा, ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे। तो थर्ड सम में हम लोगों को क्या करना है, एक मिनट, हाँ, थर्ड सम शुरू करने से पहले भी हम लोगों को एक थियरी को देखना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा के लिए क्या रहेगा, अल्फ़ा हमारा ये था, अल्फ़ा क्या रहेगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और बीटा क्या रहेगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब सम में क्या करते थे हम लोग, माइनस बी अपॉन ए लेते हैं, और प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस रहेगा, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या आता है हमारा, सी अपॉन ए आता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो जरा यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, क्या बोला है यहाँ पे, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब किस तरीके से करेंगे हम लोग इसको, जरा ध्यान दो। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब देखो जरा ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा में, माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान दो यहाँ पे, माइनस बी हमारा ये कितना है, फोर है, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर अपॉन टू, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों को, माइनस टू। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना था हमारा, सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सी क्या है हमारा, माइनस थ्री है और ये टू है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थ्री अपॉन टू। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस थ्री अपॉन टू। तो इसके साथ में हमारा ये वाला सम भी कंप्लीट हो चुका है। तो समझ गए ये,
यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ था, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। हम लोगों ने क्या किया, ये माइनस फोर अपॉन टू लिखा, बट यहाँ पे एक और एक माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। तो ये माइनस टू नहीं लिखना है, हम लोगों को टू लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही क्या था, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ये माइनस फोर दिया हुआ था और ये माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके वजह से ये आंसर क्या आ जाएगा, हमारा टू आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का ये सम यहाँ पे ही कंप्लीट हो चुका है।